गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। जैसे एडिशन किया था उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी है। लाइक फ्रैक्शंस हैं तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं उनको हमें केवल माइनस करना है। सपोज 4/5 माइनस 1/5, तो ये क्या होगा? 3/5। क्यों? यहाँ देखिए 4 - 1 बाय जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको लिखेंगे, 4 - 1 करके 3 and 5 यहाँ, ठीक है। तो जैसे सिंपल, एकदम सिंपल, जैसे प्लस किया था वैसे ही माइनस करना है। इसी पे इसके लिए याद रखेंगे, डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स एंड बाय कॉमन डिनोमिनेटर्स, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, 8/10 माइनस 3/10, तो 8 - 3/10 5 - 5/10, 9 - 11 माइनस 9/11 माइनस 7/11 इज इक्वल टू 9 - 7/11, 9 - 7 इज इक्वल टू 2 एंड 11 इज द डिनोमिनेटर, ठीक। तो इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट आंसर्स। 3/4 माइनस 2/4 इज इक्वल टू 1/4, 6/7 माइनस 2/7 इज इक्वल टू 4/7, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इसको कट कर देंगे। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हम लोग नोटबुक में करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज फिल इन द सर्किल विद प्लस और माइनस साइन। बस क्या करना है, हमें देखना है कि न्यूमरेटर को प्लस करके ये आंसर आ रहा है या न्यूमरेटर्स को माइनस करके ये आंसर आ रहा है। तो 8 है 5 3, तो 5/9 प्लस 3/9 इज इक्वल टू 8/9, 11/15 और 4/15 इज इक्वल टू 7/15, इट मीन्स 11 - 4 इज इक्वल टू 7, 8/19 और 7/19 इज इक्वल टू 15/19, 8 + 7, ओके। चलिए इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 5/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5 - 1/6 इज इक्वल टू 4/6। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा है, मीन्स इसको हमें रिड्यूस भी करना है। तो 2 - 4 एंड 2 - 3 - 6, तो आंसर होगा 2/3। नाउ बी पार्ट, 21/29 माइनस 18/29, तो 21 - 18 इज बाय 29, 21 - 18 3/29। अब ये किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। 2/17 माइनस 1/17, 2 - 1/17, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/17, 21 - 19/23, 3/23, ठीक। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन 3। नाउ क्वेश्चन 4 थोड़ा सा लेंदी है, इसको ध्यान से देखेंगे। मिस्टर खान्स बेल्ट इज 8/10 meter लॉन्ग एंड हिज सन्स बेल्ट इज 6/10 meter लॉन्ग, हुज बेल्ट इज लॉन्गर एंड बाय हाउ मच, गिव आंसर्स इन सेंटीमीटर्स। क्या कहा है कि मिस्टर खान की बेल्ट 8/10 meter लॉन्ग है एंड हिज सन्स बेल्ट इज 6/10 meter लॉन्ग, उनके बेटे की सन बेल्ट 6/10 meter लॉन्ग है। तो पहले तो बताना है हुज बेल्ट इज लॉन्गर, किसकी बेल्ट लॉन्गर है, किसकी बेल्ट लंबी है, मिस्टर खान की, क्योंकि 8/10 इज ग्रेटर देन 6/10। अब कितनी लंबी है इसको निकालने के लिए हमें डिफरेंस निकालना होगा, तो हम 8/10 में से 6/10 को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको हमें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, लेंथ ऑफ मिस्टर
Hans belt is equal to 8 by 10 meter, and length of his son's belt is 6 by 10 meter. ठीक, सो एट बाय टेन इज ग्रेटर देन 6 by 10, देयरफॉर मिस्टर खान्स बेल्ट इज लॉन्गर. ठीक है, एंड डिफरेंस इन लेंथ कैसे निकालेंगे अब? डिफरेंस इन लेंथ इज इक्वल टू 8 by 10 माइनस 6 by 10 इज इक्वल टू 8 minus 6 by 10 इज इक्वल टू 2 by 10. ठीक, अब यहाँ क्या लिखेंगे कि मिस्टर खान की बेल्ट कितनी लंबी है उससे? 2 by 10 meter. तो मिस्टर खान्स बेल्ट इज लॉन्गर बाय 2 by 10 meter, एंड 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter. So 2 by 10 meter is equal to 2 by 10 into 100 centimeter is equal to 10 times 100, 2 into 10 centimeter, and 2 into 10 is equal to 20 centimeter. ठीक है, तो पहले हमने देखा कि 8 by 10 जो है 6 by 10 से बड़ा है, इसलिए मिस्टर खान की बेल्ट लंबी है. फिर दोनों का डिफरेंस निकाला, 2 by 10 आया, तो मिस्टर खान की बेल्ट 2 by 10 meter लंबी है. फिर उसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना था, तो हमने उसको 100 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 20 centimeter. ठीक है, तो ये बहुत थोड़ा सा काम है, सेल्फ प्रैक्टिस 7H का, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे. ओके.